स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने वेभूजनी गढ़ माता मंदिर में शीश नवाया व पूजा अर्चना की और यहां आयोजित भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। उन्होंने यहां आए लोगों को बधाई दी और कहा कि यहां प्रदेश को पर्यटन विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है और चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गढ़ माता मंदिर को भी पर्यटन मानचित्र पर लाना उनकी प्राथमिकता है और मंदिर के सुंदरीकरण के लिए लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे तथा गढ़ माता मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों एवं धार्मिक संस्थानों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है और प्रदेश पर्यटन स्थलों को रोप वे इत्यादि से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपने जैसे चाहा वैसे सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि पर्यटन को हम बढ़ावा दें और उसी दृष्टि से यहां पर के मंच संचालक महोदय ने जो इस गढ़ माता की कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष है पदाधिकारी हैं उनका एक विशेष आग्रह कि यहां की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए, चाहे वो सड़क को चौड़ा करने की बात है या आधे अधूरे उस सामुदायिक भवन को पूरा करने की बात है या मंदिर के सामने टीन सेट बनाने की बात है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा पर्यटन विभाग है वैसे भी हमारा ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को हम रोप वे से जोड़ें, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर रोप वे के माध्यम से श्रद्धालु पर्यटक वहां पर पहुंचें। ऐसा एक हमारी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश सरकार की है और हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, वीर सैनिकों की भूमि है, इसलिए हिमाचल को वीर सैनिकों की भूमि के नाम से जाना जाता है, देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। हम जहां चले जाएं वहां पर मंदिर, लोगों की अटूट श्रद्धा, इसलिए इस भय भंजनी गढ़ माता को हम पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी पर्यटक आए, जहां से भी आए, जहां जा रहा हो, वो जरूर इस रास्ते से होकर के मां का आशीर्वाद ले। फिर से इस मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए जो कुछ प्राथमिकताएं होंगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके सौंदर्यकरण के लिए जहां जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग से मैं लगभग 5 लाख रुपए की व्यवस्था करवाऊंगा। मौके पर वो आएंगे और देखेंगे कि कहां पर किस चीज की जरूरत है तो उस काम को मैं अवश्य पूरा करूंगा। यानी मां के चरणों में मैं घोषणा करने वाला कोई नहीं और मां के चरणों में तो जो आशीर्वाद आपने दिया है श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार को, वहां हम और क्या सुधार कर सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और जो मांग पत्र में कहा गया है उसके अनुसार जिस विभाग को जो काम करना होगा हम उस काम को करेंगे। हमारे साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं, हमारे साथ इस उपमंडल के उपमंडलाधिकारी एसडीएम साहब भी आए हैं, इस इलाके की जनता जनार्दन